जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो भाई क्या बताएं, कल रात में बहुत ज़्यादा फीवर आ गया तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पाया और ब्लॉग भी मेरा कल लेट आया। कहाँ जा रहा है? चौकी चौका लग रहा है क्या? मम्मी से कहो ये क्या चौके हो, ये तो मेरी आंखों में नाकों में लग रहा है ना, है ना? डबरू बने बैठे हो क्यों? डबरू बने बैठा है ना? वही बात बहुत तगड़ा। मेरे मुंह का स्वाद बिल्कुल चला गया, कुछ भी खा रहा है पानी पी रहा है एकदम कड़ू कड़ू लग रहा है। तो मम्मी ने अभी नींबू और नमक का चाटो, टेस्ट वापस आ जाएगा। तो भाई नींबू नमक चाट रहा है पर कुछ भी खा रहा है बिल्कुल ही अच्छा ही नहीं लग रहा है यार, क्या बताएं, कुछ कह ही नहीं सकते। तो भाई फीवर तो चला गया है, मन और टेस्ट बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, तो इसीलिए थोड़ी देर छत पर टहलने आया हूँ। यहाँ मौसम बहुत ही अच्छा है, थोड़ी देर छत पर टहलूँगा ना तो मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। देखो भाई कितना अच्छा है, क्योंकि कल बारिश होती रही है तो धूप उप निकली नहीं है बिल्कुल भी, चारों तरफ बिल्कुल बढ़िया मौसम है। चिड़ियों की के खाने की आवाज़ आ रही है, एक चॉकलेट ले आए हूँ अपने खाने के लिए, 5 स्टार छोटी सी, इसको खाता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगे। खाओ घर पे बतासे वाले को बुलाया हुआ है और अन्नू का और मम्मी का कंपटीशन होने जा रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा बतासे खाएगा। तो फिर अभी मम्मी आरती जला रही, बतासे वाला आ भी गया है, तो अभी चलते बतासे वाले के पास और इन दोनों का कंपटीशन देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा बतासे खाता है। कंपटीशन के लिए रेडी हो ना अन्नू से? है तुम खिलाने के लिए भाई रेडी हो गई रही? तो चलो आज देखते हैं कि कौन बतासे कॉम्पिटिशन में जीतता है। अन्नू तुम रेडी हो गई नहीं? ठीक है चलो आ जाओ, आज चलो खाना स्टार्ट करो जाके। ये देखो हमारे दोनों कैंडिडेट लाइन पे लग गए हैं और भैया भी समझ गए हैं कि इन दोनों की कितनी ज़्यादा बतासे खाने की कैपेसिटी, तो उसी हिसाब से देखो बतासे भी निकाल दिए गए। अब देखो भाई कौन जीतता है, यहाँ पे चैलेंज स्टार्ट होता है। अब भाई की स्पीड भी बहुत तेज है खिलाने की, अब देखो कितनी तक खटाखट सब खिलाता है। ये देखिए हाँ प्यार लगा के बढ़िया खिलाए लोग को। देखो सेकंड कैंडिडेट के मुंह में पानी आ रहा है बराबर कि बतासा लेट हो गया। अभी तो दो दो हुए हैं, पेट तो नहीं भरा किसी का? हमें तो लग रहा है दोनों लोग कम ही खाना खाए था दोपहर में। दोनों लोगों ने भाई कितने कितने खा लिए लगभग बतासे? 15-15। आई गजब, 15-15 बतासे खा गए दोनों लोग। हूँ क्या 60 बतासे हैं तुमने कैसे गिने मम्मी? अच्छा 15-15 खा गई, पता भी नहीं चल रहा है। ज़्यादा खा गए देख ले, बतासे हैं? हाँ बतासे तो यहाँ है मजे के भी। और मटर भी बहुत है, कम से कम निपटा देंगे, इतने में काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा आज। खाए रहो को ये पूरे बतासे खा गए जितने इन्हें निकाले हुए थे, अब ये फिर निकालने जा रहे बतासे। ये देखो निकाल रहे बतासे और ये दोनों भाई आज मान ही नहीं रहे, हार मानने को रेडी नहीं दोनों लोग। सुबह कहेंगे आज से टहलना स्टार्ट करेंगे और कसरत करेंगे और यहाँ बतासे उके जा रहे दबा दबा के। अब ये देखो हमें लग रहा है 60-70 बतासे फिर निकाल लेंगे। चलो भाई निकालते रहो तुम आज। अच्छा चलो निकालो। ये कितने बतासे निकाले? 60 पर कितने बतासे हो गए? 60 पर कितने हो गए बतासे? 100। अरे मतलब 60 रुपए हो कितने के बतासे? 60 बतासे हैं। अच्छा ठीक, समझ गया। तो जलेगा तो ठीक है, देखा जाएगा खाओ शक्कर पे सब लोग, चीनी खाने सही हो जाएगा। नो लोग काफ़ी तेजी से बतासे खा रहे हैं। देखो अन्नू मम्मी में कौन आज हार मानेगा, किसका पेट भरा कुछ अनुमान है किसी को?
हार मान रही हो क्या मम्मी? इतनी जल्दी ना हारो यार, कम से कम अभी अन्नू भी हारने वाली होगी, बस वो तुमसे इसलिए नहीं बोल रही कि तुम बोलो तो बस अब बहू खा ले। अरे ये ना सोचो जितान, जलेगा तो क्या हुआ? अरे लो मम्मी तो यहाँ हार गई यार, क्या हुआ ये, क्या हो गया? बस हो गया मम्मी, अब नहीं खाओगी? अरे यार कितने बता से खाएंगे तुमने, 30-40? अभी अन्नू का भी पेट जल ही रहा है बराबर, इसका कैंसिल ही है ना, खा नहीं पाएगी अब ये तो, खाने बंद कर दिए। इनका अभी पता नहीं, ये अभी नहीं बंद कर पा रही बता से खाना, अब इनका देखो एक कब बंद होता। बस बंद हो गया, बहुत सही। इतने बता मम्मी, तुम दो बता से खा लेते, जीत जाती हैं। अरे हमने जान भी अब जतीन आ गए या केले को सब खा जाए पूरे ठेले के बता से। ये देखो दूर कैसे रहा बतासों को। हाँ करवाओ, इतना कड़ू लगा है कि लड्डू खा ली ना, इनको कड़ू इतना लगा है कि दूध पी रहे बैठ के मीठे वाला। और मेरे गुल्लू को कैसा लग रहा है, गुल्लू को तो कुछ मिला ही नहीं, मुँह लटका के बैठा है बेचारा, कुछ नहीं खाया। मम्मी तो चाहे इतना कड़ू दे दो खा जाएंगे ना, मिर्ची जम पापा कहते हरा मिर्चा ले घर से। हाँ तो भाई मैं आज के इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, और भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से शायद मैं ब्लॉग ना बना पाऊँ। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी, खांसी जुकाम बुखार हुआ बहुत ज़्यादा, खांसी आ रही है, जैसे ही ठीक होगी मैं आपको ब्लॉग बनाऊँगा और आपको अपडेट दूँगा। तो जय श्री राम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जय श्री राम।